आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारे स्किन के साथ साथ बालों पर भी बेहद ही नकारात्मक असर पड़ता है। हालांकि बालों को शाइनिंग और ग्लोइंग बनाने के लिए लड़कियां हमेशा केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके बाल रूखे और बेजान नजर आते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने बालों के लिए सही तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण आपके बालों पर बेहद ही नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप कैसे अपने बालों में शैम्पू लगाएंगे कि आपके बाल हेल्दी बने रहे। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप अपने बालों के हिसाब से ही शैम्पू का चयन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ही आप अपने बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करें। बालों में शैम्पू करने से पहले आप अपने बालों को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके बालों में जमी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद ही आप अपने बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप अपने बालों के अनुसार ही शैम्पू लें, ना कि ज़्यादा। हालांकि आप शैम्पू को पानी में घोलकर बालों में लगा सकते हैं। ये तरीका आपके बालों के लिए काफ़ी हद तक बेस्ट होता है। इसके बाद आप अपने बालों को साफ पानी से अच्छे से धो लें। इससे आपके बालों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता। हालांकि अब आप अपने बालों में कंडीशनर लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यानपूर्वक कंडीशनर को स्कैल्प पर लगाने की बजाय बालों में नहीं लगाएं। करीबन 5 मिनट बाद आप अपने बालों को फिर से साफ पानी से धो लें। तो वहीं आपको आगे बताते चले कि आप बालों को सूखने दें, और अगर आप तौलिए से अपने बालों को पोंछते हैं तो धीरे धीरे ही अपने बालों को पोंछें। ऐसा करने से आपके बाल टूटते नहीं हैं बल्कि मजबूत होते हैं और ना ही आपके बाल झड़ते हैं। किरण हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।